स्पष्ट कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और पूरे देश की जनता का यही एक संकल्प है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री दोबारा बने, और निश्चित तौर पर यही संकल्प लेकर हम लोग सभी शुरू से लेकर चल रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश और राज्य का कल्याण कर सकती है। का पूरा समर्थन है बिल्कुल इसमें। आप कहना कि अब हमारी वाइफ खड़ी है, वो प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सदस्य, तो अब इसमें कहीं दो राय। देखिए, हमने यही तो कहा कि पूरे देश का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो आपने बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं, निर्दलीय चुनाव खड़े हो गए। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना एक विचार होता है और विचार से ही वो व्यक्ति जाना जाता है। तो चाह रहे थे क्या कि राजनीतिक रूप से पदार्पण हो जाए, उनका भी एंट्री हो जाए, मतलब इसे वो ताकत अजमाइश कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना एक महत्वाकांक्षा होता है। मनीष जी के भी एक राजनीतिक इच्छा है और वो अपना कुछ राजनीतिक भविष्य सोच रहे हैं, इसके लिए वो खड़े। हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है और वह अपनी राजनीति कर सकता है। लेकिन जहां तक हमारा और हमारे परिवार का सवाल है, निश्चित तौर पर आपकी माताजी मझधार में है, कहां जाए बेटा को देखे? उन्होंने तो स्पष्ट किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, सिद्धार्थ जी को मदद कर रही है। तो आप किसी व्यक्ति को किसी पार्टी के लिए या किसी लोगों के लिए दबाव नहीं बना सकते कि वो किसके साथ रहे। लेकिन मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरे तमाम मेरे तमाम शुभचिंतक, समर्थक, चाहे संघ से जुड़े हों, चाहे पार्टी से जुड़े हों, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।